शाहरुख खान ने उम्र के 50 पड़ाव पूरे कर लिए हैं। दो नवंबर को अपना जन्म शाहरुख खान ने मीडिया के बीच कुछ इस अंदाज में मनाया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा सा केक भी काटा। रियल लाइफ में शाहरुख खान भले ही 50 के हो गए हों, मगर पर्दे पर वो 25 के रोल में ही दिखाई देंगे। घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी, उसे स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। ये कारनामा शाहरुख खान कर रहे हैं मनीष शर्मा डायरेक्टेड फैन में, जिसका दूसरा टीजर इस मौके पर रिलीज किया गया। इस टीजर में दिखाई दी किंग खान के 25 साल वाले कैरेक्टर की झलक। I want to thank my mommy. I want to thank. फैन एक सुपरस्टार आर्यन खन्ना और उसके डायहार्ड फैन गौरव की कहानी है। ये दोनों कैरेक्टर शाहरुख खान ही निभा रहे हैं। 25 साल के गौरव का रोल निभाने के लिए शाहरुख खान ने VFX की मदद ली है। ये फिल्म की कहानी है कि 25 साल का फैन है और 45 साल का हीरो है, और तो वो डिफरेंस जो है दोनों के बीच में दिखना चाहिए। जब आप फिल्म देखें, अभी जो सुपरस्टार है पिक्चर में उसकी शक्ल दिखाई नहीं गई, बट वो कंपैरिजन जब आएगा तो बड़ा खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। दिलचस्प बात यह है कि फैन में सुपरस्टार आर्यन खन्ना की फिल्मों को दिखाने के लिए शाहरुख खान की अपनी फिल्मों के सीन्स को रिक्रिएट किया गया है। किंग खान के करियर की इनिशियल फिल्मों के डायलॉग्स फैन में सुनने को मिलेंगे, मगर ये सब इतना आसान भी नहीं था। प्लेइंग आर्यन खन्ना एंड वी रीशॉट ऑल द फिल्म्स एंड द क्लिप्स दैट वी हैव डन एज आर्यन खन्ना, वी हैवंट टेकन बाजीगर क्लिप, मैंने फिर से या मनीष ने फिर से वो रिक्रिएट किया है। So it was very difficult, very schizophrenic. वहीं फैन का किरदार निभाना किंग खान के लिए इसीलिए मुश्किल रहा क्योंकि उन्हें स्टारडम इतनी ज्यादा मिल गई कि रियल लाइफ में फैन बनने का मौका ही नहीं मिला। मुझे खुदा ने इतना दिया, भगवान ने इतना दिया कि मैं इससे पहले कि किसी चीज़ का फैन बन सकता था, मैं खुद स्टार बन गया। तो मेरे लिए वो चीज़ करना बहुत अलग था, और नज़रिया नहीं बदला है, क्योंकि मैं जैसा तुम्हें बोल रहा था कि मेरे लिए उस जोन में होना जहाँ पर एक इंसान, लड़का या लड़की, आपको इतना प्यार करते हैं कि वो मानते हैं कि जो आप मानते हैं वही मानते हैं जो ये मानते हैं, इट्स अ बिलीफ। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी इन दैट प्लेस। फैन अगले साल रिलीज के लिए स्लेटेड है, लेकिन उससे पहले इसी साल आ रही है उनकी फिल्म दिलवाले, जिसके साथ संजय लीला बंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी रिलीज हो रही है। इस टक्कर को शाहरुख खान अनफॉर्चुनेट मानते हैं, लेकिन फिल्म को सक्सेस विश भी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत फिल्म होगी, हमारी भी काफी अच्छी फिल्म है, एंड आई थिंक इट विल डू वेल। इट्स अनफॉर्चुनेट, मगर जैसा मैंने बोला यार, वो कुछ 54 हफ्ते होते हैं, 200 फिल्में हैं, कुछ ना कुछ तो साथ में आएंगी। मुझे बड़ा ख्याल लगता है मेरी फिल्मों के साथ ही दूसरी फिल्में आती हैं, बट अब आती हैं तो आती हैं, लेकिन पूरी प्यार, पूरा मोहब्बत, पूरा प्यार, पूरी मोहब्बत हमारी जो है बाजीराव मस्तानी के साथ है। साथ ही शाहरुख खान ने ये भी साफ कर दिया कि बाजीराव मस्तानी के खिलाफ कोई भी ऐसा काम उनकी तरफ से नहीं किया जाएगा जिससे फिल्म को नुकसान हो। उन्होंने कहा कि वो फिल्म भी उनके बेहद करीब है, कोई भी गलत बात उनके साथ ना हम करेंगे ना हो, उनकी फिल्म बहुत चले इंशाल्लाह, और जिस तरह से भी वो चाहते हैं वो फिल्म वैसी अच्छी बैठे। और यस ऑफ कोर्स, रोहित वाली हमारी खुद की फिल्म है दिलवाले, वो भी अच्छी ठीक ठाक सी हो जाए तो बहुत खुशी होगी। अब देखते हैं कि दिलवाले और बाजीराव मस्तानी की टक्कर का बॉक्स ऑफिस पर क्या असर होता है।